हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं से निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये मैं नीचे गमलों को दिखा रही थी, कितने अच्छे अच्छे पौधे लगे हैं और बारिश के मौसम में पौधों में ऐसी जान सी आ गई, एकदम हरे भरे हो गए हैं। ये जा रही थी मैं पार्लर। तो फ्रेंड्स, हरियाली तीज पर मेहंदी लगाना शुभ होता है, तो मैं यहाँ मेहंदी लगवाने आई हूँ। तो ये मेरी मेहंदी स्टार्ट हो गई है लगनी। तो फाइनली मेरे दोनों हाथों पे लग चुकी है मेहंदी। तो ये अब मैं वापस घर जा रही हूँ। तो मैं घर पर पहुंच चुकी हूँ अब। हमारे ही घर पहुंचते ही वो भी ड्यूटी से आ गए थे, तो वो लाए थे समोसे। तो फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए, साथ में लाए थे सावन के महीने में प्रिय मिठाई घेवर। तो सावन के महीने में ही ज़्यादा मिलता है घेवर, तो यहाँ हम बैठकर सब खा रहे हैं घेवर समोसे। तो फ्रेंड्स, आप भी खा लीजिए। तो ये कर लेती हूँ मैं शाम के खाने की तैयारी। तो मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो ये मेरी मटर है और ये ले लिए हैं मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ। तो इनको मैं पानी में फुले दूँगी। तो इसमें डाल दिया है मैंने पानी। तो ये मैंने डुबा दी हैं सारी बड़ियाँ। और अब डाल देती हूँ मैं मटर, क्योंकि उसमें बर्फ़ लगी हुई है, तो इसमें मैं पानी डाल दूँगी जैसे कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। तो फिर उसके बाद मैं इनको 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। और ये ले लिए हैं मैंने पक्के पुलाव वाले चावल, पक्के वाले जो होते हैं, गोल्डन सीला जो बोलते हैं, तो वो चावल ले लिए हैं। तो मैं बना रही हूँ 2.5 कटोरी चावल। तो ये नाप है, आप किसी से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, गिलास से, कटोरी से। तो ये मैंने पानी डाल दिया, इनको मैं धुल के फिर इनको फुलाने रख दूँगी आध घंटे के लिए। जब तक चावल फूलते हैं, फिर मैं कर लेती हूँ चटनी की तैयारी। तो मैंने ले लिए हैं टमाटर, ये इसमें लगा दिया है मैंने कट। और कट लगाकर इनको मैं उबालने रखूँगी। तो ये मैंने लिए हैं 2 टमाटर। तो मैंने दोनों टमाटरों में लगा दिया है कट। और कट लगाने के बाद फिर मैंने ले ली है 5 लाल मिर्च। तो इनको भी साथ में उबालूँगी। तो ये डाल दिया है मैंने पानी। पानी डालने के बाद फिर इसको हम मीडियम फ्लेम पे गैस पर रख देंगे। तो ये मेरे उबल चुके हैं टमाटर, तो इनको मैं चम्मच की सहायता से निकाल लेती हूँ। तो ये टमाटर और मिर्च मेरे ठंडे हो चुके हैं, तो मैं इनके छिलका उतार लेती हूँ अब।
टमाटर मेरे छिलकर रेडी हो गए हैं, तो मैं ले लिया है ग्राइंडर। ग्राइंडर में डालूंगी मैं अब टमाटर, तो और 8-10 मैंने लहसुन की कलियां ली हैं, और जो मिर्च मैंने उबाली थी वो डाल दी हैं, और 1/2 इंच लेंगे हम लहसुन का टुकड़ा। डालते हैं ग्राइंडर में मसाला, तो मसाले में डाल दिया मैंने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला है, और उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच से भी कम जीरा। जीरा डालने के बाद डालेंगे हम अजीनोमोटो। तो ये है अजीनोमोटो, ये जो किसी भी किराना स्टोर पर बहुत ही आराम से मिल जाता है, इससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं इस चटनी को पीस लेती हूँ। ये मेरी चटनी पीस कर हो गई है तैयार, तो मैं अब इसको छौंक लेती हूँ। तो ये सिर्फ तेल, सरसों के तेल में छुकती है, इसमें और कुछ नहीं डलता है। तो ये मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। 2 चम्मच तेल डालने के बाद इसको तेल को अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो देखो ये मैंने अच्छी तरीके से पका लिया है, धुआं निकलने लगा है, और अब डाल देंगे चटनी जो हमने पीसी थी। चटनी को बराबर चलाते रहें जिससे कि वो नीचे से लखे नहीं, और अच्छी तरीके से वो उसमें बॉयल आ जाए, खदकने लगे अच्छी तरीके से, तेल ऊपर आ जाए, तब इसको बंद करें, तब इसको अपनी थाली में सर्व करें। तो ये मैंने टमाटर, प्याज और हरी मिर्च काट ली हैं, तो ये ले लिया है मैंने भगोना। भगोने में डाल देती हूँ मैं देसी घी। देसी घी में पुलाव बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने मसाला ले लिया है, 2 काली मिर्च, थोड़ा सा जीरा, और 2 ही लौंग, और 2 तेज़पात पत्ता। तो ये मैंने प्याज डाल दिए। उसके बाद प्याज डालने के बाद इसको हम पकाएंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो ये अब डाल देती हूँ मैं हरी मिर्च, इन हरी मिर्च को भी थोड़ा पका लेंगे। बारी आती है टमाटर डालने की, तो मैं अब इसमें टमाटर डाल देती हूँ, क्योंकि मिर्च और प्याज मेरी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब मैं टमाटर को भी पका लूँगी। टमाटर पकाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दें, तो बहुत अच्छे तरीके से टमाटर गल जाएगा और प्याज भी बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएगी। में मसाले में डाल दिया है मैंने पुलाव मसाला, और पुलाव मसाले डालने के बाद डाल दूंगी मैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने के बाद डालूंगी मैं मिर्च पाउडर। मिर्च पाउडर डालने के बाद डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो देखो ये मैंने डाल दिए हैं, तो देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो ये मेरा मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है, तो इसको मैं थोड़ा चलाती रहूँगी जिससे कि वो जले नहीं। तो मैं फिर ये जो बढ़िया है ये भी फूल चुकी हैं, तो ये डाल देती हूँ मैं मटर। मटर डालने के बाद डालूँगी मैं सोयाबीन की बढ़िया। सोयाबीन की बढ़िया डालने के बाद इनको फिर हम चलाएंगे, तो इसे मसाले में बिल्कुल फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद डाल देंगे चावल जो हमारे फूल चुके हैं अच्छी तरीके से, हमने 1/2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम फुलाया है इनको, तो बहुत ही लंबे और अच्छी तरीके से पक जाएंगे। तो चावल डालकर अब इनको मैं चला लेती हूँ, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। पानी डालने की, तो पानी आप
जिस कटोरी से चावल का मेजरमेंट किया था तो उसी से पानी का मेजरमेंट करें। मेरे ढाई कटोरी चावल थे तो ढाई कटोरी में मैं 5 कटोरी पानी डालूंगी, क्योंकि 1 कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी लगता है। तो आप इसी तरीके से मेजरमेंट करेंगे तो आपके चावल न तो चिपकेंगे और एकदम खिले खिले बनेंगे। मैंने पानी डाल दिया है तो अब इनको ढक देती हूँ। तो ये 15 मिनट में हमारे चावल बनकर तैयार हैं। तरीके का पुलाव बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है, आप भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।